नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। ड्राइवर की लापरवाही के बाद बाल बाल बचा ड्राइवर। जी हां, जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश की यह घटना है। ब्रिजमनगंज बाजार ये जगह है, यहां पर राख लोड करके नेपाल सीमेंट फैक्ट्री जा रहे थे ड्राइवर सद्दाम हुसैन। 12 जून की यह घटना है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि रोड के साइड पर यह कंटेनर खड़ा हुआ है, वहां पर बारिश की वजह से जमीनी सतह कमजोर हो गई और जिसकी वजह से ट्रक के टायर जमीन में धंस गए और एक तरफ को ये गाड़ी झुक गई। उसके बाद ड्राइवर प्रयास में लगा रहा कि गाड़ी वहां से निकाल सके, लेकिन देखते ही देखते गाड़ी एक तरफ को पूरी तरह पलट गई। ड्राइवर सद्दाम हुसैन उछल कर ड्राइवर साइड से दूसरी तरफ जमीन पर आ गिरे, जिसकी वजह से उनके सीने में चोटें आ गई। ये पूरी जानकारी हमें भेजी है जयप्रकाश यादव ने, जो बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सद्दाम हुसैन अब ठीक हैं। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस खबर में भी यही हुआ है। इसी से ड्राइवर परेशान भी हैं। ये घटना है बिहार के कुवारी गांव की। यहां पर ड्राइवर नरेंद्र कुमार झा चावल लोड करके गए थे और रोड की वजह से वहीं बीचों बीच रोड पर ही फंस गए। आप देख सकते हैं रोड का हाल बिल्कुल दलदल बना हुआ है। चालू रोड है ये, यहां से ट्रैफिक चलता रहता है, लेकिन रोड की हालत देखकर तरस आता है। 15 जून की ये घटना है। ड्राइवर ने 8000 रुपए भाड़ा तय कर माल उठाया था। ड्राइवर ने प्रशासन से भी अपील की कि उनकी गाड़ी को वहां से निकलवाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि ये तक कहा गया कि हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया। ड्राइवर ने अब खुद ही जेसीबी मशीन मंगवाई है और 10000 रुपए इसका खर्चा पड़ रहा है। 8000 रुपए भाड़े पर माल उठाया और 10000 रुपए खर्चा लग रहा है। इसी बात से ड्राइवर परेशान है, लेकिन रोड की जर्जर हालत देखकर अभी भी प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। उनकी अब तक तो नींद खुल जानी चाहिए। लगता है टोल कर्मियों को फास्टैग को लेकर कानून ही नहीं मालूम, या वो ये कानून फॉलो करना ही नहीं चाहते। सिंपल सा कानून है NHI के टोल प्लाजा पर कि गाड़ी चालक का फास्टैग अगर काम नहीं कर रहा तो वो डबल चार्ज देगा, और अगर टोल प्लाजा वालों के स्कैनर में या मशीन में कोई खराबी है तो वो गाड़ी चालक को निशुल्क जाने देंगे। किसी भी तरह से कोई नकद पैसा नहीं लिया जाएगा। नहीं, क्यों देंगे पैसे भाई? क्यों नहीं? मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो हेलो, सिस्टम में आपके खराबी है, हमारे में खराबी नहीं है। वो अभी और पूछ, पहले भाई तीन लाइन में गाड़ी लगा ली यार। एक बात तो सुन ले मेरे भाई, इस टोल पर ड्रामा होता है, आती बार भी जाती बार भी, तुम्हारा सिस्टम में डाउन रहता है। उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। मैं माफी मांग रहा। आखिर ये टोल वाले मानते क्यों नहीं है? इतना ड्रामा और हंगामा क्यों करते हैं जब उनका स्कैनर या मशीन नहीं चल रही होती? दोस्तों, रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म आपने देखी होगी, उसमें अनिल कपूर का एक शॉट है, हेलीकॉप्टर से लटक कर चलती हुई ट्रेन से माल चोरी करते हैं। शायद उन्हीं से प्रेरणा ली है इन चोरों ने। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की ये वीडियो देखिए, जहां पर फिल्मी अंदाज में चलती गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार चोरों ने माल चुराने की कोशिश की। उनके इस कारनामे की वीडियो पीछे चलते हुए किसी शख्स ने बना ली है और वायरल कर दी। सोचने वाली बात यह है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे चोर। वीडियो में तीन चोर देखे जा सकते हैं, जिनमें से एक पिकअप का तिरपाल काट कर सामान निकालने की कोशिश कर रहा है और सामान निकालकर अपने साथियों को पकड़ा रहा है। रिहायशी इलाका नजर आते ही चोर वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। ड्राइवर भाइयों, सफर पर थोड़ा सतर्क होकर चलें। दोस्तों, शहरों में जब एंट्री करने लगे तो नो एंट्री के बोर्ड लगे होते हैं, ताकि वहां पर लोडेड ट्रक वगैरह रुक जाएं। उनका एक एंट्री का टाइम होता है, उस टाइम पर ही एंट्री करें, लेकिन ये बोर्ड ड्राइवरों को दिखाई दे तभी तो वो रुकें। इस मुद्दे पर बात की है सतनाम सिंह ने, जो पंजाब के रहने वाले हैं। नोएडा की ये खबर है। वहां पर एक जगह है चार मूर्ति राउंड अबाउट से पहले सूरजपुर की तरफ से आते हुए, उस जगह के माध्यम से वीडियो में ये बताया है कि यहां आसपास सभी बोर्ड या तो नीचे की तरफ झुक गए हैं या तो पेड़ों के पीछे छुपे हैं, जो ड्राइवरों को दिखाई नहीं देते। ना तो वहां पर पार्किंग की कोई जगह है कि ड्राइवर रुक कर देख सके, क्योंकि अगर रोड पर गाड़ी खड़ी कर देंगे तो भी चालान होगा। सतनाम सिंह का ये मानना है कि ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वसूली की जा सके। कर्मी ने लोगों को क्यों कहा आलू सब्जी की बोरियां, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से संदीप मान, मेरे पास 8 गाड़ियां हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस गाड़ी कराया था, बहुत अच्छी सुविधा है इनकी, 24 घंटे सर्विस एक्टिवेट रहती है, क्लेम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इंश्योरेंस है।
मैं आपसे भी कहूँगा ट्रांसपोर्ट मोड से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। इनका नंबर है 9831 9831 24 घंटे एक्टिवेट है। बहुत अच्छी सर्विस है ट्रांसपोर्ट मोड की। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलू सब्जी की बोरियों की तरह बस में सवारियां भरी जा रही हैं। आ जाओ बाबा, कहाँ घुसे हुए तुम लोग? ये बोरियां हैं, आदमी है तुम लोग, क्यों बिठाए हुए ये बोरियां? लाती हुई है कंडक्टर कौन है? ये इतनी सारी सवारियां क्या आपने? ये आलू नहीं, ये रोकी सर, कोई नहीं मानता है। ये आदमी है कि आलू प्याज लाते हैं? कोई नहीं मानता, एक स्टेशन नहीं आते हैं। तो गाड़ी बंद करो, आप इन्फॉर्म करो हमें। एक स्टेशन पे 10 सवारियां उतारी तो 50-40 चढ़ जा रहे हैं, हमने क्या करना सर, आप बताओ। ये वीडियो हमें भेजी है वरिंदर सिंह ने, जो होशियारपुर पंजाब के रहने वाले हैं। इनका टैक्सी और कैब का काम है। 15 जून की ये घटना है। समोत हिमाचल प्रदेश की ये घटना है, जो चंबा में पड़ता है। वरिंदर सिंह का कहना है कि टैक्सी या कैब चालकों पर तो बहुत पाबंदी लगाई जाती है, चालान किए जाते हैं रोक रोक कर, लेकिन सरकारी बस वाले सवारियां ठूस ठूस कर भर रहे हैं। टैक्सी व कैब चालक की शिकायतों पर जब अफसर वहां पर पहुंचे और बस को रुकवाया तो यही हाल पाया। लोग छुप छुप कर बैठे हुए थे, ठूस ठूस के भरे गए थे। कोरोना नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। कितना दे रहा? 20 रुपया तो यही बहुत है, 10 रुपया वहाँ देते हैं, 20 रुपया। फिर तू बकवास ना, तो बैठिए आपको वहाँ पहुँचा देते हैं, और कौन नहीं। तू ऐसे क्यों बोलता कि हम 10 रुपया दे करके आते हैं? तेरे जैसा है ना, कितने 50 रुपया दिया है, ठीक है, और देने वाला देता हूं। देने वाला तो तू क्या हीरो है क्या यहाँ का? हीरो नहीं, हम तो हीरो रहते हैं। 100 रुपया देके ले लिए, वहाँ पहुँचा देता आपको। पाकुड़ झारखंड की ये घटना है, जहाँ पर पेट्रोल पंप के पास एक चेक पोस्ट है। वहां पर सिक्योरिटी के लिए खड़ा ये कर्मी वसूली करता है, ऐसा बताया असलम खान ने। वीडियो में भी यही सामने आया है, आप देख सकते हैं कि कैसे पैसे पकड़ाए जा रहे हैं। 20-20, 50-50 रुपए के लिए गाड़ियों को रोका जाता है एंट्री के नाम पर वसूली के लिए। ड्राइवर ने बताया कि ड्राइवर आम लोड करके यहां से जा रहा था, उस दौरान ड्राइवर को यहां पर रुकने के लिए बोला गया। ड्राइवर जानता था कि वसूली की जाएगी, इसलिए नहीं रुका, तो चेक करने के बहाने कर्मी ने पीछे बाइक लगा ली और आखिरकार पेट्रोल पंप पर रुकवा कर बुरा भला कहते हुए वसूली कर ही ली। जंजीरों से बांधा गया गाड़ी को, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो हम बताते हैं ना। विजय कुमार है, पटना के रहने वाले हैं। इनकी गाड़ी है टाटा एस, जिसको लेकर ये पटना से लखीसराय गए थे। 4 जून की ये घटना है, वहां पर माल लोड करने गए थे आरसीए इंफ्रा में, जो रामगढ़ चौक पर पड़ता है। माल लोड हो जाने के बाद उनकी गाड़ी को इस कंपनी द्वारा जंजीरों से बांध कर रख लिया गया। कंपनी वालों ने कहा कि श्याम स्टील कंपनी, जिनकी तरफ से ड्राइवर माल लोड करने गया था, उनके पास आरसीए इंफ्रा वालों का 3 लाख रुपए बकाया था। पहले कंपनी वो देगी, तब गाड़ी को छोड़ा जाएगा। यानी माल लेने वाले और माल देने वाले की देनदारी में फंस गया ड्राइवर, जिनकी गाड़ी को अभी तक नहीं छोड़ा गया। तब जाकर ड्राइवर थक हार कर पुलिस वालों को कंप्लेंट करता है रामगढ़ थाने में, और अभी तक गाड़ी उनकी नहीं छोड़ी गई है, इसलिए गाड़ी छुड़वाने की गुहार लगा रहे हैं। वर्दी वाले घूसखोरों पर गिरी गाज। जी हां, सिवान बिहार की यह घटना है, जहां पर ओवरलोडेड ट्रक से वसूली करने का मामला सामने आया था, वीडियो वायरल कर दी गई थी। एसपी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की, 2 SI समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने यह भी कहा कि ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों सिवान मैरवा मुख्य मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज पर थाना मैरवा के पुलिसकर्मी वसूली कर रहे थे, तभी एक ट्रक चालक ने इस दृश्य को कैमरे में कैद कर इस वीडियो को वायरल कर दिया। एसपी ने अलग अलग मामलों में एक साथ कार्रवाई की है, जिसमें कार में लापरवाही बरतना भी शामिल है। यह अब तक की सबसे बड़ी विभागीय कार्रवाई मानी जा रही है। इतना लोड अगर कोई लोडिंग गाड़ी वाला लेकर जाए तो कितने चालान कर दिए जाते हैं, कितनी बार रोका जाता है, वसूली की जाती है। लेकिन ये टेम्पो धड़ल्ले से ओवरलोडेड माल लेकर जा रहे हैं, सवारियां ढोने की जगह माल से भरी हुई है ये गाड़ियां, ऐसा कहना है हमारे एक दर्शक का, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं, जिनकी तरफ से ये वीडियो आई है। पीलीभीत मंडी की ये वीडियो है, जहां पर सवारी वाले टेम्पो माल लोड कर रहे हैं, वो भी ओवरलोडेड, और लोडिंग वाली गाड़ी खाली खड़ी है। उनका कहना है कि पुलिस वाले भी इन्हें नहीं रोकते, कोई कार्रवाई नहीं करता। 14 जून की ये वीडियो बनाई गई है, इसके माध्यम से वो गुहार लगाना चाहते हैं
कि इस समस्या का कोई समाधान निकले। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।